हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। 17 जुलाई को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने आ सकते हैं सीएम, डीएम ने दी जानकारी। हत्या और लूट की घटना को अंजाम देने आए 3 बदमाशों को पुलिस ने लिया गिरफ्त में, एसएसपी ने किया घटना का खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई रेडियो जॉकी की कार्यशाला, JEAES के बचाव के लिए लोगों से की अपील। 8 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया शंखनाद, दिया धरना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राहत और बचाव कार्य के हेतु SOP अनुश्रवण समिति की बैठक, बाढ़ और जल जमाव से बचाव के दिए निर्देश। 14 जुलाई को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि सुलह समझौते के आधार पर करवाए अपने मुकदमे का निस्तारण। पर्यावरण एवं वन महोत्सव का रेलवे के GM राजीव अग्रवाल ने वाणिज्य विभाग के लान में वृक्षारोपण कर किया शुभारंभ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित हुई कार्यशाला में वक्ताओं ने परिषद के स्थापना के उद्देश्य पर डाला प्रकाश। थाना समाधान दिवस को और ज्यादा प्रभावी बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने दिए कई दिशा निर्देश। अब शिकायतकर्ता का निस्तारण आख्या पर हस्ताक्षर करा लिया जाए, चाहे वो निस्तारण से सहमत हो अथवा असहमत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनियमितता का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों ने निकाला विरोध जुलूस। पद स्थापना समिति के देखरेख में संपन्न हुई अंतर जनपदीय शिक्षकों की काउंसलिंग, BSA ने कहा स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था होगी बेहतर। वन महोत्सव के अवसर पर अग्रवाल महिला समिति के सदस्यों ने किया पौधारोपण। 10 सूत्रीय मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विरोध प्रदर्शन कर दिया धरना। कार्यालय का ताला टूटने और पत्रावली गायब होने का जल कल एम्प्लाइज यूनियन ने किया निंदा। और गोरखपुर विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश प्रक्रिया तीसरे दिन भी रहा जारी। स्नातक कला में सोमवार को कुल 389 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश।